नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना, हिम्स हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, समीर शर्मा। ये हमारे पास एडमिट हुए हैं 18 सितंबर को और आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो जब ये यहाँ आए थे तो इनकी लास्ट रिपोर्ट में इनका जो बिलीरुबिन था वो 3.08 है। मतलब ये आपका हमारा केस है लीवर सिरोसिस का। बट अभी जो इनकी रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंट, इसमें इनका बिलीरुबिन बिल्कुल नॉर्मल है और SGOT PT भी पहले से काफ़ी बेटर हैं। बाकी शरीर में जो इनको बदलाव लगा है, जो इन्होंने महसूस किया है, वो ये खुद ही बताएंगे। हाँ जी, नहीं पहले मेरे को जैसे नींद में दिक्कत होती थी, अब नींद आने लग गई है। और पहले मेरे को जैसे येलो येलो यूरिन पास होता था, अब वो येलो यूरिन पास होना बंद हो गया। और SGOT और SGPT में भी मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। पहले 150-230 वगैरह पहुँच गया था एक बारी, अब बिल्कुल नॉमिनल मतलब 70-60 अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रेंज के बीच में पहुँच जाने वाला है वो। जी, तो हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या स्टाफ के बारे में या जो भी सर्विसेज यहाँ की हैं? नहीं, हॉस्पिटल एक्चुअली ऐसा है, मैंने हॉस्पिटल के बारे में सुना भी था और देखा भी था, लेकिन मेरा मन था कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँ और अपना इलाज यहाँ पे कराऊँ। यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अनु, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर मनप्रीत, मनजीत, सबकी जो है एक तरह से कोऑपरेशन रही है मेरे साथ। जी जी। और बाकी किचन स्टाफ है, उनकी भी काफ़ी सहयोग कोऑपरेशन रही है। और मतलब नीचे जिसको कहते हैं कि भाई टो टू हेड, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी बंदे हैं यहाँ पे, उन सब की आपस में एक तरह से कोऑपरेशन, या ऐसे नहीं समझना कि भाई पेशेंट है या कोई बाहर का आदमी आ गया है हमने उसके लिए करना है, एक तरह से फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और फैमिली की तरह ही उनका बिहेवियर है। कि भी आपने किसी को कुछ बोल भी दिया तो कोई मतलब ऐसा बॉदरेशन वाली बात नहीं है, फैमिली की तरह है सारे। तो मतलब अभी आपको अच्छे से समझ आ गया है कि घर जाके भी आपको किस तरह का रूटीन रहेगा? हाँ जी, और हाँ जी, क्या खाना पीना रहेगा? हाँ सुबह जी, से शाम तक किस तरह का बिल्कुल रूटीन रहेगा बिल्कुल इस बीमारी मैम। को पूरी तरह से ठीक करने में? हाँ जी, बाकी सुबह सुबह उठ के हम योगा भी करते हैं, उससे भी जी काफ़ी बेनिफिट है जी हमारे, जी जी जो कि सुबह सुबह स्वच्छ वायु होती है। और योगा वाले सर जो हैं श्रीवास्तव जी, वो भी काफ़ी मतलब एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह, हमें जितने भी डॉक्टर हैं वो जी जी फैमिली मेंबर की तरह लगते हैं। ऐसे नहीं लगते हैं कि वे कोई बाहर का आदमी है या हम पेशेंट हैं और वो डॉक्टर है, जो भी है नाइस एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।